देखिए, हम डिटरमिनेंट क्लास 12 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी की दे रखी है। इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन है, क्या दे रखा है देखिए, 0 माइनस ए और बी पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में ए 0 सी, और तीसरे कॉलम में माइनस बी माइनस सी और 0 दे रखा है। आपको बताना है कि इसकी वैल्यू 0 होगी। इसकी वैल्यू को 0 बताने के लिए सबसे पहले तो हम ये काम करें, जो आपका ये डिटरमिनेंट दे रखा है, पहले वाला डिटरमिनेंट जो आपके पास दे रखा है, इस डिटरमिनेंट में से यदि मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, किसको, यदि इस डिटरमिनेंट में से मैंने माइनस को कॉमन लिया, तो बताइए जो माइनस का होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का, और प्लस वाला हो जाएगा आपका माइनस का। ये हो गया, या देखिए ये भी माइनस का हो जाएगा और लास्ट वाला भी माइनस का। इसके माइनस दोनों के हट जाएंगे, है ना, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। यदि इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डालता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 डालता हूं, ओके, माइनस आ गया एज अ प्रॉपर्टी। अब एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है बाय 1, देखिए, यदि किसी भी डिटरमिनेंट या मैट्रिक की रो या कॉलम को अपन एक्सचेंज करते हैं तो किसी तरह का चेंज नहीं होता है। क्या लिखेंगे इसमें, इंटरचेंज रो, ओके, कौन सी रो, रो नंबर 2 को अपन ने चेंज कर दिया रो नंबर 3 से, एक्सचेंज हो गई। दोनों रो अपन ने क्या कर दी, यहां पर चेंज कर दी, कौन सी रो, पहली रो को अपन ने दूसरी रो की प्लेस पर लिख दिया, तो क्या होगा, या कॉलम को चेंज कर रहे हैं, किसको कॉलम कर रहे हैं, कॉलम को या रो को, दोनों चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें कि एक रो और कॉलम को किस तरह से चेंज किया है वो हम देख ले पहले, तो हमारे पास आ गया देखिए 0, पहली रो को हमने माइनस के साथ इंटू करके, कैसे करा, इसके साथ इंटरचेंजिंग दिस विथ नेगेटिव साइन, या लिख लो चाहो तो विथ नेगेटिव साइन, 0 पूरे में नेगेटिव से साइन किया अपन ने, यहां हो जाएगा आपके पास माइनस ए और यहां पे हो गया आपका बी एज इट इज। ये जो है पहली और सेकंड वाली रो अपनी इंटरचेंज हो गई, क्या हो जाएगा बताइए, इसके अंदर ए 0 सी, यहां हो गया माइनस बी माइनस सी और 0। देखिए रो एंड कॉलम अपने चेंज हो गए, इंटरचेंज हमने कर दिया, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो, इसमें और इसमें, इन दोनों इक्वेशन में हमको क्या चेंज दिखा, हमें चेंज दिखा कि ये दोनों इक्वेशन एक जैसी है, क्या है, दोनों इक्वेशन एक जैसी है, लेकिन एक जैसी होने के साथ साथ क्या चीजें दिख रही है आपको, कि जो प्लस माइनस वाली चीज में खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी, यदि मैं करूं इक्वेशन नंबर 1 सेकेंड प्लस 3rd को प्लस कर दूं, तो एक ऑपरेटर ऑपरेटर मतलब दो डिटरमिनेंट हो जाएंगे, हो गए दो डिटरमिनेंट, यहाँ कौन बच गया, इसके आगे माइनस था, यहाँ है आपके पास जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी और जीरो, इसको हमने प्लस किया इक्वेशन नंबर 2 के साथ 3 के साथ, ये इक्वेशन नंबर 3rd है, ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी और 0। तो देखिए माइनस का जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिटरमिनेंट हो जाएंगे आपके पास 0 माइनस ए प्लस का बी, ये ए हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और सी हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी और 0 हो जाएगा, इसके साथ प्लस करेंगे हम 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी
बी सी और जीरो। अब जब इनको प्लस करते हैं तो हम देखते हैं कि सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इसके जीरो हो जाएंगे, हो गए जीरो, ये सब नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएंगे, तो इससे हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी।